मोदी जी अगले दिन जेल के अंदर होंगे जिस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया जाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी? हाँ जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने यही किया है, किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया है, अपने आगे उन्होंने किसी की चलने नहीं दी है। वो चाहते हैं सत्ता में मैं आ जाऊं, अगर सत्ता से मैं बाहर हो गया तो मेरे जितने घोटाले हैं वो सारे खुल जाएंगे और मेरे को जेल जाना पड़ेगा। गुड़गांव जी नहीं, शायद मैंने गलती कर दी, गुरुग्राम लगता है, शायद मैं अब भी गलती कर रहा हूँ। मुझे नाम लेना चाहिए देश की सबसे तेज बढ़ती हुई साइबर सिटी का। जी हाँ, आज के वक्त में हम गुड़गांव को गुरुग्राम और साइबर सिटी के नाम से जानते हैं और हम बात कर रहे हैं होली पर्व की। 1975 में एक फिल्म बनी थी जिसके अंदर गाना था, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो क्या गुरुग्राम के अंदर दुश्मन गले मिले या जो दोस्त थे, जो आपस में सद्भाव एक साथ पैदा करते थे, वो आज दुश्मन बन बैठे हैं? इसी मामले पर हम दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे मुख्तलिफ लोगों की राय और अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों की राय कि आखिर उन लोगों का इस मामले पर क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ जमाते सिद्दीकी ऑफ इंडिया और एक संस्था है इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। बड़े दुख की घटना है क्योंकि होली के दिन एक खुशी का दिन होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर गले मिलते हैं। उस दिन जो गुरुग्राम में जो घटना हुई है, जो एक सिर्फ एक विशेष परिवार के साथ हुई है और उनके घर में घुस के मारपीट की गई है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं, ये तो देश में एकता तोड़ने की काम कर रहे हैं। जो लोग हम लोग आपस में प्यार और हिंदुस्तान में भाईचारा आज 1948 से चला आया है, उसको तोड़ा जा रहा है। मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि इस तरह की घटना को इमीडिएट रोकें और वहाँ के SSP, वहाँ के पुलिस ऑफिसर, आला पुलिस ऑफिसर को तुरंत जो है ना आगाह किया जाए, वो क्योंकि ये देश के हिंदू मुस्लिम सब इसको घटना को दुखित के रूप में ले रहे हैं। घर में घुस के मारपीट करना, एक लेडीज़ के साथ मारपीट करना, एक जेंट्स के साथ मारपीट करना, बहुत दुखद घटना है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, देश के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा है, ये नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा है। अगर इस तरह नहीं होता है तो पूरा और हमारी इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन करेगी। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम होंडसी थाना क्षेत्र की और फूप सिंह नगर के अंदर जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया। क्या शुभ नाम है आपका? नाजिम खान जी। ये टोटल प्रशासन की गलती है, इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और इस तरह की वारदात आगे ना हो। क्या आप ऐसा देखते हैं कि जो एक समुदाय विशेष है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की गुरुग्राम में काफ़ी वक्त से कोशिशें हो रही हैं? जिस तरीके से हम आपको बताते चले कि काफ़ी वक्त पहले वहाँ एक मामला सामने आया था जहाँ पर मैदान के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया, उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ पर एक मस्जिद में ताला लगा दिया गया और उसके बाद में इस तरीके की वारदात सामने आ रही है। क्या देखते हैं समुदाय विशेष के ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी? देखिए, अगर पीछे देखें तो इस तरह का माहौल बना हुआ है, लग रहा है कि जैसे माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरा कहना यही है कि जो ये जुल्म हुआ है बहुत गलत है, अच्छा नहीं है, किसी पे भी हुआ है, एक समुदाय पे हुआ है जुल्म, बहुत जुल्म है ये, और एक घंटे तक जुल्म करते रहे वो, ये बहुत ही दुख की बात है कि पुलिस तक की प्रशासन नहीं पहुंची। ये हमारा हिंदू मुस्लिम भाई, हमारे बच्चे जो उनके बच्चों के साथ में आते हैं जाते हैं, दोस्तान आए, सब भाईचारा ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, हमारे भाईचारे को ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, कुछ भी विकास नहीं किया, ना कोई विकास हुआ, सिर्फ यही लड़ाई झगड़े बस इसी पे है ये सरकार। सरकार ऐसी आ जाए जो विकास हो, देश मुल्क आगे बढ़े। कैसे आ जाए सरकार? सरकार अच्छी आनी चाहिए। अपने आप आती है, आप लोग देते हैं वोट? हम तो देते हैं, देख के दें सब पब्लिक वोट, ये तो इसने 5 साल ऐसे निकाल दिए। सबसे पहले 70 साल पहले भी आपने देखा, तो क्या आपको लगता है कि 70 सालों के अंदर जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उसको कभी इख्तदार में लाने की कोशिश करी गई? यार 70 साल में तो बहुत कुछ हुआ है, हमने तो बचपन में देखा था कि लालटेन में तेल डालते थे और तेल डाल के जाता था, सीढ़ी आता था आदमी। प्रवेश गर्ग मेरा नाम है, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। गर्ग साहब, इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो गुरुग्राम के अंदर घटना घटी, किस नज़र से देखते हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी धर्म के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ बहुत आराम से बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं, आपस में भाईचारा है,
सब लोग मिलके काम करते हैं, दुख तकलीफ़ में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक गुरुग्राम में घटना हुई है, इसके साहब के नेतृत्व में रोष प्रकट करने के लिए उनके घर पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं सब लोग। वो बिगड़ गया वहाँ पर भाईचारा, भाईचारा इसलिए बिगड़ गया, जैसे जैसे चुनाव अब नज़दीक आता रहेगा वहाँ इससे भी ज़्यादा भाईचारा बिगड़ेगा। मोदी जी की चाल है कि मेरे को दोबारा आना है, चाहे देश गड्ढे में जाए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी? हाँ जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी ने यही किया है, किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया है, अपने आगे उन्होंने किसी की चलने नहीं दी है। वो चाहते हैं सत्ता में मैं आ जाऊं, अगर सत्ता से मैं बाहर हो गया तो मेरे जितने घोटाले हैं वो सारे खुल जाएंगे और मेरे को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी चाहते हैं एक बार मुझे पुलिस प्रशासन मिल जाए, जो दिल्ली के अंदर उनको देना नहीं चाह रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मोदी जी अगले दिन जेल के अंदर होंगे जिस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जो ये घटना हुई है वो ये पूरे गुड़गांव में नहीं हुई है, अभी बुलंदशहर के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी ये करने की, उसके अंदर इन्होंने बड़ा प्लानिंग बनाई थी, वो इनकी फेल हो गई। वो इसलिए हो गई कि लोग जागरूक थे और लोगों ने इनको वो होने नहीं दिया, नहीं तो इससे ये गुरुग्राम से बड़ी घटना बुलंदशहर के अंदर होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब। और ये काफ़ी गंभीर आरोप है मोदी सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से वो देश में डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बड़ी साफ तौर से कहना चाहूँगा ये आरोप नहीं, ये सिद्ध हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर से ये कहा था कि इस समुदाय को हम बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं और उसके बाद ही सत्ता पर रूल करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार भारद्वाज है। भारद्वाज जी, जो ये घटना घटी, आप इसे अगर हिंदू मुसलमान छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, अतुल्य भारत है, वो नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करें देश की सबसे तेज साइबर सिटी की, वहां पर इस चीज को पीछे कर दिया गया, नकार दिया गया और एक परिवार के ऊपर हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया, किस नजर से देखते हैं आप? और आप हिंदू धर्म से हैं, होली के दिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक दूसरे को गले लगाने की प्रथा होती है, दुश्मनों को भी जो गलतियां होती हैं उन्हें माफ करके एक दूसरे से हम आपस में प्यार बांटते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हुआ, क्या देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ वहाँ की सरकार, एक तो लॉ एंड ऑर्डर तो भी मुझे लग रहा है बिल्कुल जीरो हो चुका है, बदमाशी वहाँ चरम पे चल रही है, वहाँ पर इतने केसेस होते हैं, ये नहीं ये केस, और भी बहुत तरह केस होते हैं, लेकिन ये केस हमें देख के हमें बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने वो वीडियो देखी, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तो जंगल राज हो गया। जंगल राज यानी कि इन दी सेंस कि कोई भी किसी के घर में घुस के किसी को भी मारे, सड़क पे हो जाए हादसा समझ जाता है, लेकिन किसी के प्रॉपर आप किसी के घर में जा रहे हो तो यह यानी कोई साजिश है, किसी तरीके से किसी को मोटिव है उसका, क्या मोटिव है ये तो वहाँ की सरकार ही बताएगी ना। ऐसा है कि लोग सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, लेकिन हमें ये देखना है हम सब लोगों को कि हमारे क्षेत्र में या हमारे जोन में इस तरीके का मतलब होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। भारद्वाज जी का साफ तौर से कहना है कि एक नज़ीर साबित करी जाए, ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाए कि जो देश के अंदर इस तरह के लोग होते हैं उन लोगों को सबक दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान या किसी अदर कम्युनिटी से भी आते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है, इसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करते हुए कानून को एक नज़र से सभी को देखना चाहिए। हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष डरा हुआ नज़र आता है, क्या ये कोशिश है कि पोलिंग बूथ तक ना पहुंचा जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले 5 साल से जब से मोदी सरकार आई है तब से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की घटना हुई है, विशेषकर माइनॉरिटी को जो है निशाना बनाया जा रहा है, और सरकार ने सख्त अगर एक्शन लिए होते तो ये इस तरह की घटना ना होती। और अब जैसे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो अब और जो है डर इस बात का है कि आने वाले समय में कुछ और बड़ी घटना ना हो, इसलिए जो है सभी को सचेत रहना होगा, और जो है प्रशासन को भी चाहिए कि गलत एलिमेंट्स को जो है वो फौरन एक्शन ले। सरकार जो है गलत एलिमेंट्स के साथ में खड़ी है, अगर सरकार ने कार्रवाई की होती तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद ना होते कि ये घर में घुस के पुलिस 40 मिनट देर से पहुंचती है, कंटिन्यू कॉल करने के बाद में ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। इसलिए कि सरकार जो है
वो आपस में डिवाइड करना चाहती है जो है कम्युनिटी, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, धर्मों को आपस में बांटना चाहती है, जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसके अंदर दरार पैदा कर कर सत्ता पर रूल करना चाहती है। सुनील कुमार बाली जी, सबसे पहले होली की शुभकामनाएं देता हूँ, और अगर मैं किसी दूसरे धर्म से हूँ तो आज के वक्त में शायद ये शुभकामनाएं देने से पहले भी डर लग जाए। क्या आप ये मानते हैं जो आज से पहले का वक्त था, 10-12 साल पहले का वक्त था, एक दूसरे के धर्म के अंदर हम ये नहीं पहचान पाते थे कि जो इस वक्त ये गुजिया खा रहे हैं, गुजिया की दावत चल रही है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन आज रंग में भंग पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे इस गंगा जमनी तहजीब को जो तोड़ने की कोशिश करी गई है? बेशक लोग ये कह रहे हैं कि ये मामला इस तरीके का नहीं है, आपस में खेल का है, लेकिन देश के अंदर इस मामले को धर्मों के तौर से देखते हुए रंग दिया जा रहा है। कहाँ तक मानते हैं कि इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिशें हैं, और आपकी इसके ऊपर क्या राय है देशवासियों की? नरेंद्र मोदी जी 2014 में हमने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर हमने जो लोगों के बीच में गए, लेकिन जिस तरह से हालात देश में 5 साल के अंदर गुजरे हैं, चाहे अखिलेश का केस हो, चाहे मॉब लिंचिंग के केस हो, समझे, और चाहे समझे ये गुरुग्राम का केस हो, समझे, ये नारा समझे जो नरेंद्र मोदी जी का बेमानी हो गया, समझे, इसके कोई मायने नहीं रहे, समझे। और प्रधानमंत्री आज की डेट में सिर्फ जो प्रचार मंत्री बन चुके हैं, समझे, उनको देश से और कुछ लेना देना नहीं है, देश कहाँ जा रहा है, समझे। राजनीति चलाई जा रही है झगड़े की, दंगों की, इस पे बिल्कुल भी यकीन ना करके अपना भाईचारा बिल्कुल भी ना तोड़ें। भाईचारा तो तोड़ना नहीं चाह रहे ना, लेकिन भाईचारा तोड़ने से अगर राजनीति में सीट और सत्ता मिल जाती है तो क्यों ना तोड़ा जाए? ये तो उनका काम है ना, ये तोड़ना चाहेंगे लेकिन हमें नहीं टूटना ना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमारे साथ में क्या शुभ नाम है आपका? सुफियाना तरन्नुम। तरन्नुम जी, जो इस वक्त आपने ये घटना देखी गुरुग्राम के अंदर, क्या आप देखते हैं महिलाओं के ऊपर इस तरीके का हमला, हथियारबंद लोग जो अपने साथ में हथियार लिए हुए हैं, महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, क्या जो देश की सरकार है उस वक्त हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी महिलाएं उस वीडियो के अंदर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं अपनी जान की, कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बच सके, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के ऊपर इस तरीके का हमला बीजेपी सरकार के अंदर, क्या कहना है आपका, किस तरीके से देखते हैं इस हमले को? बहुत दुख की बात है, इस वीडियो को देखने के बाद जो उनका स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, कहीं उस स्लोगन का कोई महत्व नहीं रहा। जिस तरह से उस वीडियो के अंदर औरतों की चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं प्रशासन नहीं है, 40 मिनट देर पुलिस पहुंचती है, इस सब चीज़ को देखकर लगता है वही बात जो पहले लोगों ने कहा कि सिर्फ वो प्रचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। इस चीज़ को देखते हुए वो हमें कितना ही डराने की कोशिश करें लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। उनकी सबसे पहली पहल अगर कहा जाए तो ये भी रही कि उन्होंने इलेक्शन का जो टाइम पीरियड रखा वो इस तरह से रखा कि रमज़ान के दिन हैं, और रमज़ान के दिन में उनको ये लगता है कि मुसलमान वोटिंग कम करेंगे, तो ये चीज़ वो भूल जाएं। रमज़ान के दिनों में हम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और हम जितना वोट मुसलमान का उससे पहले डला है, 2019 से पहले डला है, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट अब डलेगा। यहाँ कहूँ कि 100% वोट डलेगा मुसलमान का, हमें चाहे कितना ही डराइए, हम डरने वालों में से नहीं हैं। वोटिंग की बात यहाँ से गुरुग्राम से इलेक्शन कमीशन तक पहुँच चुकी है, और इलेक्शन कमीशन में ये बात पहुँचने के बाद में ये बात रमज़ानों तक जा चुकी है। यहाँ रमज़ान की अगर बात करें तो मैं लोगों से एक सवाल दोबारा पूछूंगा कि जंग बदर की लड़ाई कब हुई थी, और उस वक्त के अंदर रमज़ान का महीना था और उस जंग को फतेह किया गया था, लेकिन ये चुनावी जंग है, राजनीति की जंग है, लोगों का ये काफ़ी जो इस वक्त कहा जा रहा है कि रमज़ानों में चुनाव हैं, क्या मुस्लिम लोग वोट नहीं करेंगे, और यहाँ साफ तौर से निकल के आया है कि इस बार ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। गुरुग्राम क्या साइबर सिटी बना रहेगा? आप हमें अपने कमेंट में जवाब दे सकते हैं, या वो साइबर सिटी के चलते चलते हम जिस देश को और जिस देश की जिस जगह को बहुत ऊँचा मानने लगे हैं, जहाँ की ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, क्या वहाँ पर इस तरीके की घटना देश को शोभा देती है? विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े कार्यालय, बड़े बड़े ऑफिस यहाँ मौजूद हैं, क्या आप ये मानते हैं भारत के अंदर ऐसी घटनाओं को देखते हुए साइबर सिटी के अंदर विदेशी लोग निवेश करेंगे? ये एक देश के लिए बड़ा सवाल है।
प्रोडक्शन 24 इंडिया के लिए मैं आसिफ खान ईस्ट दिल्ली से।